हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु, और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सोचा आज मैं लेके आया हूं वेक्टर का सेकंड लेक्चर, जिसमें बात करने वाले हैं कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाए। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है। तो अगर कोई चीज यहां चल रही है तो डायरेक्शन भी उसके पास, अगर कोई चीज यहां चल रही है तो दोनों अलग है। चाहे ये भी 4 मीटर हो या ये भी 4 मीटर हो, दोनों में फर्क है। रीजन, दोनों की डायरेक्शन अलग है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो तो वो वेक्टर भी चेंज हो जाता है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज होगी। ठीक है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी, ये कह सकते हैं कि वैल्यू चेंज होगी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज हुई। जल्दबाजी में कुछ भी बोल गया। एनीवेज, हाँ, तो 4 मीटर 4 मीटर ये आ गया। तो इसकी डायरेक्शन अगर देखी जाए तो इन द एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस से बनाएगा समथिंग थीटा। थीटा ले लो, 30 डिग्री लो, वट एवर द वैल्यू, हमें नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर दो वेक्टर है, मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, एक मेरे पास ये नीचे और ये वेक्टर, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा। ऐड करने का सिंपल मतलब होता है, दिमाग में बिठा लो कि उन दोनों के ऊपर उस डायरेक्शन फोर्स लगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये बॉडी, एक इस बॉडी पे एक फोर्स लग रही है इधर बेटा, और एक फोर्स लग रही है इधर। अब अगर एक यहां से पकड़ के खींचेगा, एक यहां से पकड़ खींचेगा, बॉडी कहां जाएगी, क्या लगता है? सोच के देखो, बीच में फट तो जाएगी नहीं। तो होगा क्या, जो बॉडी की मूवमेंट होगी, देखो ये इधर खींचेगा वो उधर खींचेगा, तो बॉडी कहीं यहां की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब है कि इन दोनों वेक्टर को अगर ऐड किया जाए तो दोनों की मिला के जो फोर्स होगी वो एफ प्लस एफ, एफ वन प्लस एफ टू ले लो इसको, तो इस डायरेक्शन में जाएगी। और डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन थी एक्स एक्सिस, इसकी थी वाई एक्सिस, इसकी क्या डायरेक्शन होगी, समथिंग थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो बस हमने यही निकालना है कि इसको निकालने के लिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि बेटा हमारे पास इजी तरीके से वेक्टर को हम सीख सके। तो देखो, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हमने वेक्टर को ऐड करना है तो ट्रायंगल लॉ कैसे यूज किया जाए। देख रहा था फ्रेम में है कि नहीं है, कैमरे में, ओके। सो इसके लिए हम एक छोटी सी फिगर बनाएंगे। देखो, फिगर फिजिक्स में फिगर, ये सोच लो फिगर एक रामबाण है, जहां फिगर बनी वहां पे क्वेश्चन आ गया। तो बस वही देख रहे हैं हमने, फिगर कैसे बनाई जाए। अब एक वेक्टर हमारा ये रहा, मान लेते हैं, मानना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये रहा। अब ये वाई एक्सिस नहीं है, ये एट एनी एंगल ले लिया मैंने, जो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मान लेते थीटा इन दोनों के बीच में। नाउ, तो हमने फिगर को ध्यान में रखना है कि ट्रायंगल लॉ में हमेशा हेड टू टेल जॉइन होता है। ध्यान रखना, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल। तो यहां पे आ गया हमारे पास ए वेक्टर, और ए वेक्टर को मैंने बी वेक्टर, इसका हेड टे हेड टू टेल जॉइन कर दिया। अब ये ज्वाइन करने के बाद तुमने ध्यान रखना है रिजल्टेंट कहां होगा, ये तो देख के पता लग जाता है, एक इधर खींचेगा, इधर किधर खींचेगा, तो कहीं इधर डायरेक्शन में बॉडी जाएगी। तो बस ये रिजल्टेंट आ गया, इसकी पूंछ पकड़ो, इसका हेड पकड़ो, और यहां पर रिजल्टेंट रेडी। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, उस तरफ, ऑलवेज ऑपोजिट टू द टू वेक्टर्स। नाउ अभी जो रिजल्टेंट है आर, एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, वैसे ही जैसे मैंने बताया था अभी, एफ वन प्लस एफ टू को एड करके कुछ बनेगा। क्लियर? नाउ हमने बस एक यहां पे लेट करना है, हमने यहां पे परपेंडिकुलर डाला, एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब दोनों के बीच में मैंने क्या किया, थीटा एंगल बना दिया और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इसकी डायरेक्शन में निकालनी, ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि बेटा बीटा एंगल है विद द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से बीटा एंगल पे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, आर रिजल्टेंट वेक्टर है, एंड दीज आर टू वेक्टर जिनको हमें ऐड करना है। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं बेटा, इसकी नेमिंग करते हैं हम पी क्यू आर एस। नाउ, सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल पी क्यू आर लेंगे, तो हमने ये निकालना है और ये निकालना है। ठीक है, तो अगर पी क्यू को निकालेंगे, ध्यान देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस सबने पढ़ा ही होगा, पी क्यू अपॉन पी आर विच इज इक्वल टू, देखो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कंफ्यूज नहीं होना। ये बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाला है कि ये वाला है। तो हमेशा जो 90 एंगल होता है, राइट एंगल, जो राइट एंगल होता है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जो एंगल के सामने है, मान लो एंगल ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर, ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर। तो यहां पे आएगा हमारे पास पी अपॉन एच, एंड विच इज इक्वल टू साइन थीटा। तो पी क्यू है नहीं हमारे पास, बी है, पी आर है, तो पी क्यू इज इक्वल टू बी साइन
थीटा, तो ये हमारे पास आ गया ये वाली वैल्यू बी साइन थीटा। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारे पास इसी में सेम चीज में ट्रायंगल सेम यूज करेंगे, अब हमने ये निकालना है, तो क्यू आर ओवर पी आर एंड दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, पी आर है हमारे पास तो क्यू आर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। चलो भाई ये भी आ गया, अब जब ये आ ही गया है तो रह क्या गया है, तो बस अगर तुमने ये निकाल लिया समझो तुम्हारा आधा काम खत्म हो गया, आधा समझ रहे हो, आधा मतलब आधा सोचने का काम खत्म। तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस, जो तुम बचपन में पढ़ के आए हो, छोटे से तुम पाइथागोरस पढ़ रहे हो, तो पी क्यू एस, तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इस पूरे ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि एंगल के सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। तो पी क्यू का स्क्वायर क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी का स्क्वायर। सो देखो एस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये वाला बेस का स्क्वायर कर दो क्यू एस का स्क्वायर, क्यू एस है ना, हाँ क्यू एस का स्क्वायर, तो ये वाला क्या है आर, सो आर स्क्वायर, और ये क्या आ गया पी क्यू हमारे पास बी स्क्वायर यानी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दो प्लस क्यू एस क्या हमारे पास, देखो ये ए है और जो हमने ये निकाला हमने बी कॉस थीटा, तो जब ए ये है और ये बी कॉस थीटा तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस, अच्छा बोल रहे हो ठीक है बी कॉस थीटा स्क्वायर। नाउ कभी कभी ऐसा लगता है क्लास में पढ़ा रहा हूं और बोलता हूं तो देखता हूं आवाज तो आई नहीं आ रही, कैमरा है मेरे सामने, तो फिर इसको हम रिजॉल्व करेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब ये कैसे आया, सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है ये भी बचपन से पढ़ते आए, बहुत सारी चीजें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अगर इसमें से और इसमें से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब दोनों में ये रह जाएगा तो हमें एक प्रॉपर्टी याद आई है कि शायद हमने क्लास टेंथ में कर रखी होगी आई थिंक, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, तो हमने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया वन, तो ए स्क्वायर वैसे ही बेचारा अकेला है बी स्क्वायर भी अकेला हो गया और यहां पे रह गया टू ए बी कॉस थीटा। अब बस कुछ नहीं करना हमने यहां पे अंडर रूट लगाया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस, दिस इज द रिजल्टेंट, तो यहां से तुम्हारे पास आर का मैग्नीट्यूड आ गया, तो ये तुम्हारे पास है जो वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक हल्का हल्का दैट इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब क्वेश्चन आता है कि बेटा मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब सर मुझे ये बताया जाए कि डायरेक्शन कैसे आएगी, तो डायरेक्शन के लिए हमें बीटा निकालना होगा, देखो हमें ये पता लग गया क्या निकालना है, फिर तो तोड़ मोड़ और एकदम मैथ्स लगाओ और फिजिक्स पार कर दो, फिजिक्स में मैथ्स सबसे ज्यादा जरूरी होता है, मैं हर बार बच्चों को यही बोलता हूँ कि अगर कभी भी मेडिकल लो तो मेडिकल के साथ मैथ जरूर एडिशन लेना, नहीं तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। एनीवेज तो हमने निकालना है बीटा एंगल, अब बीटा निकालने के लिए तो हमने निकालना है डायरेक्शन ऑफ आर, एंड डायरेक्शन ऑफ आर देखो डायरेक्शन ऑफ सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ डायरेक्शन की बात तो मैं ऐसा तो बताऊंगा नहीं इधर उधर इधर उधर, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ मेरे लिए इधर ही है, तुम्हारे खड़े हो तुम्हारे लिए उधर वो है, मेरे लिए इधर ही है उधर ही है, तो इधर उधर में फंसो मत, हमने क्या निकालना है एंगल, मैं बता दूंगा इतने डिग्री पे बस, एक्स एक्सिस से इतने डिग्री, वो तुम्हारे लिए भी वही होगा मेरे लिए भी वही होगा। चलो तो हमने निकालना है बीटा, तो इन ट्रायंगल पीक्यूएस, इन ट्रायंगल पीक्यूएस हमने निकालना है बीटा, तो क्या आएगा पी क्यू ओवर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी वाई बी होता है ना पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ लो, क्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा पी बाई बी, नो पी क्यू क्या हमारे पास बी साइन थीटा, तो मैं एक काम करता हूँ टेन थीटा लिख लेता हूँ इस तरफ अच्छा लगेगा, तो बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, ए और बी की वैल्यू पता होना चाहिए बस, इसके बाद तो मैग्नीट्यूड निकाल लो डायरेक्शन निकाल लो कुछ भी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही चीज इसमें आता है बेटा स्पेशल केस, अब स्पेशल केस क्या बला होती है वो देख लेंगे, तो देखो स्पेशल केस कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये सोच लो कि क्वेश्चन होते हैं विद द वेरिएबल्स, अगर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो न्यूमेरिकल में क्या करते हैं न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करते हैं और न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करने के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं भाई ये आंसर आया, तो बस वो जो आंसर निकालना, बल्कि मैं कहता हूँ कि डेरिवेशन ईजी होती है, रीजन उसमें कैलकुलेशन होती है, इतने इससे मल्टीप्लाई करो इतने को, बहुत दिमाग खराब होता है, तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे कुछ नहीं वेरिएबल में छोड़ दो खत्म, जय राम जी की अपनी वैल्यू पुट करो करते रहो, तो बस
स्पेशल केस हम बनाते हैं अपने हिसाब से। इसमें चाहूं मैं कितने सारे स्पेशल केस बना लूं, मान लेते हैं एक ही ये है, बी की वे, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, थीटा हमारे पास 40 डिग्री है, थीटा हमारे पास 60 है, थीटा 90 है, थीटा 180 है, थीटा ये है, थीटा वो है, थीटा थीटा करके बहुत सारे केस बन जाएंगे ऐसे। तो स्पेशल केस कुछ नहीं होते, सिर्फ एक न्यूमेरिकल होते विद द वेरिएबल्स। करें स्पेशल केस बेटर रहेगा, चलो इरेज कर लेते हैं फिर करते हैं। देखो अब स्पेशल केस में कुछ भी अलग नहीं है। स्पेशल केस सबसे पहला मान लेते हैं दोनों के दोनों वेक्टर एक ही लाइन में है, मतलब यह है कि ए भी इधर है और बी भी इधर है, तो दोनों के जो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। क्योंकि देखो ना अगर ये इधर है ये इधर है तो इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, कुछ बन ही नहीं रहा है, और कुछ नहीं होता तो फिर 0 होता है। तो बस वैल्यू पुट करनी है, अगर इसमें वैल्यू पुट कर दूं मैं, मान लेते हैं इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो यहां पे cos थीटा यानी थीटा क्या आएगा 0 डिग्री, और थीटा 0 हुआ तो cos 0 क्या होता है 0 नहीं 1, तो cos 0 क्या आएगा 1, तो हमारे पास क्या रह जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इससे अच्छा कुछ नहीं है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से, फॉर्मूला बन गया बचपन वाला, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये कटा तो क्या आ गया a प्लस b, मतलब ये तो स्केलर बन गया। दो चीज अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगा, उनकी डायरेक्शन क्या आएगी सेम डायरेक्शन में, और उनको ऐड करने के लिए कोई लॉ नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपल प्लस कर दो। मान लो इधर पे मैं 4 मीटर भाग रहा हूं, फिर मैं 5 मीटर भाग रहा हूं, कितना भागा 9 मीटर, सिंपल प्लस हो गया, तो सिंपल ऐसे ही माइनस हो गया, सिंपल यहां पे प्लस हो गया। अब यही सेम चीज को हम सेकंड केस लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री क्या है कि अगर एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है, तो एंगल कितना बना दोनों के बीच 180 डिग्री, और 180 का मतलब क्या होता है कुछ भी होता हो, तो cos 180 क्या होता है -1, और अगर ये -1 आया तो यहां पे क्या आ जाएगा बीच में माइनस, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अगर ये माइनस आ गया तो इससे बढ़िया चीज कोई नहीं है, यहां पे माइनस आ गया a माइनस b का स्क्वायर, तो r क्या आएगा a माइनस b। मतलब ये है कि अगर 10 मीटर यहां भागा हूं 5 मीटर यहां भागा हूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, करीब करीब स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर दूर वहां तक भाग पाऊंगा, इसके अलावा नहीं भाग पाऊंगा दूर। हाँ, तो ये आ गया, और डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन दोनों की यही निकाल देते, छोटा सा है कुछ है तो है नहीं इसमें, तो tan बीटा इज इक्वल टू, देखो बी साइन थीटा हमें पता है थीटा कितना था 0 डिग्री, अगर साइन थीटा 0 है तो क्या आएगा tan 0 सारा 0 होगा, तो सिंपल सी बात है यहां 0 आ गया, एंड बीटा भी क्या आ गया हमारे पास 0, क्योंकि डायरेक्शन क्या आएगी 0, तो सिंपल सी बात है कि जो रिजल्टेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। आगे करें, ओके इसमें था ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो tan बीटा निकाल सकते हो अपने आप, पुट कर लो साइन 180 ये वो, वैसे तो ये भी 0 होता है तो ये भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे ही है, x एक्सिस पे वहां हो यहां हो क्या फर्क पड़ता है, 0 तो 0 है, ये भी निकाल सकते हो। तो एक केस और मैं करवाता हूं तुम्हें, बहुत ही प्यारा केस है इनसे अलग, थर्ड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वही है जो मैंने फोर्स लगाया था, राम इधर खींचेगा श्याम ऊपर खींचेगा, तो अगर हमारे पास कोई बॉडी है, मान लेते हैं ये बॉडी है, राम इधर खींच रहा है बाम इधर खींच रहा है, अच्छा आम बाम ऐसा करते हैं, आम इधर खींच रहा है बाम इधर खींच रहा है, जब आम इधर खींच रहा है बाम इधर खींच रहा है तो ये कहां जाएगी, इसके बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री, देख के ही पता लग रहा है कि कहीं यही जाएगी बॉडी, यही होता है ना, अगर मान लो अगर इधर बॉडी खींचनी है इस तरफ तो उसको बोल देंगे रस्सी बांध के तू इधर खींच तू इधर, तो डबल फोर्स लगेगी और इनका रिजल्टेंट एक ही लगेगा, सबसे बेस्ट, इससे बढ़िया कोई नहीं है। हाँ, तो थीटा 90 आ गया, थीटा 90 आ गया तो कॉस थीटा तो तुम्हें पता ही कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा बताओ जरा, अच्छा सुनते हो, हाँ कॉस 90 क्या होगा हमारे पास 0, कॉस 90 0 हो गया तो वो 0 हो गया, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर मैं बी वेक्टर को उठा के यहां रख दूं बन गया ना पाइथागोरस, पाइथागोरस बना कि नहीं, हाँ तो बस देखो पाइथागोरस का फॉर्मूला बन गया, अच्छा स्क्वायर लगाना भूल गया, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म। डायरेक्शन निकालनी है इससे भी अच्छा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करूंगा, देखो ओ माय गॉड मैं गलती कर बैठा, तुमने भी नहीं बताया, तो tan बीटा इज इक्वल टू, अब इस केस में क्या हुआ, हमारे पास जो थीटा है वो कितना है 90 है, थीटा 90 साइन 90, तो b साइन 90 ओवर a प्लस बी cos 90, cos 90 वाला 0 हो गया, ऊपर वाला 1 हो गया, तो b अपॉन a tan बीटा। अगर ध्यान से देखो ये फिगर, मैं दोबारा रिड्रॉ करता हूं, ऐसे कुछ फिगर, ये आम इधर है बाम इधर है और राम इधर है, तो
अब एंगल निकालना है, तो सिंपल सी बात है इस वेक्टर को उठा के मैंने यहां रख दिया बी, तो वेक्टर ऐसी चीज होती है कहीं भी उठा के रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको उठा के यहां रख दिया, जब इसको उठा के यहां रख दिया 90 बन गया, ये एंगल बन गया, तो जब ये एंगल बन जाएगा ये हमारे पास क्या है बी, ये हमारे पास क्या है ए, तो क्या आएगा थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। मैथ लग गया, लग गया मैथ। तो सिर्फ फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में सिर्फ कंसेप्ट है, मैथ्स विद कंसेप्ट, कंसेप्ट लगाओ और फिर मैथ लगाओ, क्योंकि मैथ के बिना तो फिजिक्स कभी पॉसिबल नहीं है, मैथ स्ट्रांग हो तो फिजिक्स तो डबल स्ट्रांग हो जाएगी। तो एनीवेज ये तुम्हारे पास केस आ गए, और इसके अलावा पैरेललोग्राम या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर है, चलो वो भी कवर कर ही देते हैं। देखो अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर की। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में कुछ नहीं होता, ट्रायंगल लॉ की तरह ही होता है, सिर्फ और सिर्फ दो जगह चेंज आता है, एक तो बेटा चेंज आता है यहां पर कि जहां पे ट्रायंगल लॉ होता है वहां पे पैरेललोग्राम लग जाता है, और एक यहां पे चेंज आता है जहां पे हम हमेशा ताल से ताल मिलाते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में हमेशा टेल टू टेल मैच होगी, ध्यान रखना। तो अगेन एक वेक्टर मेरे पास ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो उनको ज्वाइन करेंगे, देखो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये रहा, तो मैंने क्या किया टेल से टेल मिलाई है, पूंछ से पूंछ मिलाई है, तो जब इधर आएगा तो रिजल्टेंट कहां जाएगा उधर कहीं, तो सिंपल सी बात है रिजल्टेंट हमारा ये रहा। तो इस वेक्टर को हम यहां ले लेंगे एक, और इस वेक्टर को यहां उठा के रख लेंगे, रिजल्टेंट तो हमारा यहां है ही आर की वैल्यू, तो बस सेम फिगर बनेगी। अब जैसे पहले बनी थी, परपेंडिकुलर लगाया, ये लगाया, ये थीटा है हमारे पास, और ये हमारे पास बीटा है, ये हमारे पास बी साइन थीटा आएगा, और ये हमारे पास बी कॉस थीटा आएगा, क्योंकि बी है सेम, जैसे मैंने ट्रायंगल लॉ करवाया ना सेम पैरेललोग्राम लगेगा, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क आता है फिगर का, इसको यहां से छुपा लोगे तो ट्रायंगल ही बन जाएगा, कुछ अलग नहीं है। और अगर ऐसा ही एक आया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर तो इससे भी ज्यादा ईजी है, ठीक है, सब इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर में क्या होता है, देखो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक दुई तीन चार पांच छः, ये है, अरे मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, ये बहुत ज्यादा छोटा फिगर बन गया, मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी है बट सिर्फ फिजिक्स के लिए, बायो तो बहुत घटिया है, मतलब ड्राइंग। हाँ तो हमें क्या देखा, देखो एक बंदा यहाँ से स्टार्ट करता है, वो पहले इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, बताओ किधर गया, अब वो इधर आ गया, और कह रहा क्या बताओ ये ए पॉइंट है पी पी क्यू आर एस टी ऐसे ही रहने दो, चलो तो कह रहे यहाँ से यहाँ गया, मान लेते हैं बेटा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, यहाँ तक गया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि बताओ वो जहां से स्टार्ट किया, उसने स्टार्ट किया था बेटा यहां से, ठीक है, जब यहां से स्टार्ट किया, अब वो कह रहा है कि यहां से यहां तक गया ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर, फिर डी वेक्टर, बताओ इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, मतलब हमने निकालना ये तो सबको ऐड करेंगे। अब इसको ऐड करने का कोई तरीका नहीं है, इसको ऐड करने के लिए हमें ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम यूज करना पड़ेगा। तो अगर यहां पे देखें, देखो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर उस डायरेक्शन में, अब ये थीटा बनेगा, जो ये थीटा है कुछ भी आए, देखो वैसे तो हेक्सागन है तो ये 30 डिग्री आएगा, क्योंकि हमारे पास वो 60 आएगा, तो ये 60 आएगा, तो 60 एंगल कर लिया। अब जब ये दोनों हमने यूज कर लिए तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा, ध्यान दो बेटा ध्यान दो, फील करो कंसेप्ट को, एक बार फील करो, देखो एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर, तो ये आ गया हमारे पास बीटा एंगल पे, बीटा वन पे, क्लियर है। अब जब ये आ गया, इसके साथ निकालेंगे दोबारा से, तो ये आ गया हमारे पास आर टू बीटा टू एंगल पे, और ऐसे इसको लिया और डी वेक्टर को लिया, तो हमारे पास ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया से आर मेन वेक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, एक दो क्वेश्चन करना जरूर, तभी मजा आएगा। कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में एक आधा क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और तुम लोग इतनी वीडियो देखोगे नहीं, देखो क्योंकि अगर वीडियो देखनी होती तो क्लास में जाके पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पे देखते ही क्यों। तो ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो ए और बी से निकाला आर वन, आर वन और सी से निकाला आर टू, आर टू और डी से निकाला आर, तो ये हमारे पास आ गई डिस्प्लेसमेंट। वाओ वाओ साउंड वाइब्रेशन। हाँ तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। फिर मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो और अपना ध्यान रखो।